ये वाला, मैं ही गलत जगह आके बैठ गया हूँ। थैंक यू, स्वागत आपका। सबसे पहले मैं आज की जो हमारा ओडिशा ट्रेडिशन की रज महोत्सव है, ओडिशा की बहुत बड़ा परंपरा है, उसके लिए हर किसी को मैं हार्दिक अभिनंदन जनाती हूँ। सबको शुभ संध्या, जय जगन्नाथ। समय बहुत कम है तो मैं बहुत जल्दी अपना कविता आवृत्ति करके जा रही हूँ। बड़े भाई हमारा अभी ओडिशा के जो कविता आवृत्ति किए थे, वो भी बोल रहे थे वो कवि नहीं है। मैं भी वही बोल रही हूँ, मैं एक कवयित्री नहीं हूँ, लेकिन हाल ही में एक ओडिया कविता मैं आप लोगों के साथ पेश करना चाहती हूँ। थोड़ा सा हास्य कविता है जी, माफ़ी चाहूँगी, हिंदी में मुझे कविता नहीं आती है, तो थोड़ा सा ये बोलती हूँ। बारात आने के बाद जो दामाद आए हैं वो बहुत काला है, तो जो साली है, अब मंच पर देख लो एक आध को, ऐसा तो नहीं था कोई, जो साली है कितना परेशान कर रहे हैं वो दामाद को, वो कविता का मतलब वही है। हल्का सा मैंने आप लोगों को जी स्वागत। कविता की मेरा जो शीर्षक है, भोला शंकर देले कालिया बर, भोला शंकर देले कालिया बर। पणा संक्रांति सरीगला परे प्राय बाहाघर ओडिशारे आरंभ हो जाए, वैशाख मासरे प्रथम तिथि बाहाघर, बाहाघर रे बर आसी पहुँची जाइछि, साली जाइकरि पहुँचुची सर्बत आउ रसगोला धरिकरि, कौन कहुची शुणिबा। बाट बणा होई खरा दिनटारे, बाट बणा होई खरा दिनटारे, आसिल कुआडे भाई, बाट बणा होई खरा दिनटारे, आसिल कुआडे भाई, पथ खोजी खोजी झांजी पवन रे बसिल कि देखी छाई, पथ खोजी खोजी झांजी पवन रे बसिल कि देखी छाई। आठ दिन तले पणा संक्रांति ओसा करिथिला देई, महादेव को से पणा पियाइला गोरा बरटिए पाई, महादेव को से पणा पियाइला गोरा बरटिए पाई। जेजिमा कहिला अंडिरा चंडीटा ओसा व्रत करू नाही, सुंदुरिया बर केमिति मिलिबो कांदिबु दिने सकेई, सुंदुरिया बर केमिति मिलिबो कांदिबु दिने सकेई। देइमो कहिला कौन कहुतु किछि बुझी पारु नाही, ओसा व्रत कले किसमु होइबो कहतु मोते बुझाई। जेजिमा कहिला शिवंकु पूजिले मिलिब सुंदर बर, ओकिल अबाकि अफिसर होई करुथिबो रोजगार। जेजिमा कहिला शिवंकु पूजिले मिलिब सुंदर बर, ओकिल अबाकि अफिसर होई करुथिबो रोजगार। मो बयसरे शिवंकु पूजिमु पाइली जेजे बापांकु, पाचिला आंबटे परी दिसुछंती आजि भी देखे तांकु। मो बयसरे शिवंकु पूजिमु पाइली जेजे बापांकु, पाचिला आंबटे परी दिसुछंती आजि भी देखे तांकु। दुई दिन अछि पणा संक्रांति ओसाटी कर मा, आठ दिन परे देखिबु केमिति खोली जीव तोर ना। जेजिमा कथारे दुई दिन परे संक्रांति उपास कला, संक्रांति बासी तुम घरु भाई प्रस्तावटी आसीगला। जेजिमा कथा सत होइगला, देई मन हला खुशी, तुमर उपरंग जदि देखिदेव गलारे देव से रसी, तुमर उपरंग जदि देखिदेव गलारे देव से रसी। देई रंग मोर चंपा कढ़ी परी, तुमे तो कालिया भुआ, यमिति काहीकि महादेव पुणी विचार कले अड़ुआ। देई पाई जदि तुम लोभ अछि मोते किछि दियो बटी, देई क्यों जाई मु बुझेई बाझेई करिदेवी पटापटी। सुना मुदिटिए आंगुटीरु खोली साली को पिंधेई देले, टच स्क्रीन मोबाइल किणिबा पाई कि टंका बिडाटिए देले। भिणेईठू बटी पाईगला परे मनरे कला विचार, देई को जाई से कौन कहिब, मुंडटी घूरिला तार। यही मौकारे कहिला भौणी, देई मोर भारी गेल्हा, जहाँ मु कहुछि मन देई सुण, रहिब नाही झामेला। एबे कुह भाई
କେଉଁଠି ରହୁଛ? ଏବେ କୁହ ଭାଇ, କେଉଁଠି ରହୁଛ? କିସ କରିଛ ଚାକିରି? ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ବୁଲିବ ଦେଇ ମୋହରି, ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ନିରବ ରକ୍ଷା କରିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ନ କହିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲାବେଳେ ଆଉ କିଛି ନ କହିବ। ମାସକୁ ଗୋଟିଏ ସିନେମା ଯିବ ସେ ପୁଣି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ପକେଟ୍ ମନିଟା ଟାଇମ୍ରେ ଦେବ, ନ କରି କିଛି ବିଚାର। ଏକଥାରେ ସବୁ ରାଜି ଯଦି ତୁମେ ମନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, କଳା ଗୋରା କଥା ବୁଝେଇ ଦେବି ମୁଁ, ତୁମେ ତା ହେବ ଈଶ୍ୱର। କଳା ଗୋରା କଥା ବୁଝେଇ ଦେବି ମୁଁ, ତୁମେ ତା ହେବ ଈଶ୍ୱର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। कविता का जो विषय था वो बड़ा विस्तृत था और इतनी जल्दी उन्होंने इसको समाप्त कर लिया, एक बार इस बात के लिए भी ताली बजाएं। और मुझे पहले तो ऐसा लगा कि शायद ऐसा तो नहीं है उड़ीसा में जो समय जो है वो 2 मिनट ज़्यादा होती हो यहाँ से लेकिन बहुत अच्छी कविता थी। मैं आपको साधुवाद और बधाई देता हूँ। मजाक की अलग बात है, हम लोग जीवन को जितना हल्का करके जीना चाहिए उतना ही अच्छा रहता है। और मित्रों, मुझे लगता है कि मेरी जो सूची थी आप वो भी शायद ले गए हैं अपने साथ, अगर ले गए हो तो मुझे दे दीजिएगा हैं लव। और हमारे बीच कई बाहर के बहुत दूर दूर से रचनाकार हैं, और एक नाम जो है वो बहुत दूर से कोटा से, राजस्थान से है, और उनका नाम होता है श्री राम नारायण हल्दर जी। हल को धारण करने वाला, वो कृष्ण के जो भाई थे बलराम, उनके लिए भी आता है और कृषक के लिए भी आता है। बहुत अच्छे दोहे आप लिखते हैं, कई पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं, दोहों पे भी पुस्तक प्रकाशित है, और मेरा भी सौभाग्य हुआ है कि कोटा में जाकर कई कवि सम्मेलनों में मुझे जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, और उनको देख करके मुझे वही याद आता है। तो एक दोहे के माध्यम से मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। कहता हूँ कि मैं बैठा परदेश में, लोग कहें बड़ भाग, मैं बैठा परदेश में, लोग कहें बड़ भाग, और भाभी तेरे प्यार की ना रोटी ना साग, भाभी तेरे प्यार की ना रोटी ना साग। ऐसी गहरी संवेदनाओं को दोहों में जीने वाले आदरणीय राम नारायण हल्दर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और काव्य पाठ है। मैं उनको देर से बुलाना चाहता था लेकिन उनकी ट्रेन है, उनको जाना है, इसलिए एक बार जोरदार तालियों के बीच उनको बुलाएं। वो हमारे बीच में शायद सबसे दूर के साहित्यकार हैं जो बहुत दूर से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत आदर सम्मान को से उनको बुलाना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद मनोज जी। और इसी दौरान एक मिनट भाई साहब, मैं एक हमारे मित्र जो बहुत बड़े अच्छे रचनाकार भी हैं, आकाशवाणी से संबंध रखते हैं, भाई राम अवतार भैरवा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मंच पर स्थान लें और हमारे बीच आकर बैठें। देर से अवश्य आए हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, अच्छे रचनाकार हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छे इंसान हैं। दो कवि इस समय राजस्थान की धरती से आपके बीच में हैं। रामा अवतार जी दौसा जिले से आते हैं और मैं कोटा से हूँ। मैं बहुत सारा मन बनाकर और कोटा से आपके बीच में आया था, लेकिन समय चूंकि शुरू से ही इतना ज़्यादा रहा
और इतने रचनाकार हम लोग यहाँ पर रचना पाठ करने के लिए हुए कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं इतने सुंदर आयोजन के लिए, ये जो उज्जयिनी फाउंडेशन है, उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि जब हमारे जीवन से कविता बहुत दूर होती जा रही है, ऐसे अवसर पर आपने इस सांस्कृतिक आयोजन में कविता को स्थान दिया, ये आप लोगों की महानता को दर्शाता है। आप लोग अपने लिए भी तालियां बजा सकते हैं इसके। मैं भाषण देना नहीं चाहता, बहुत अच्छा भाषण दे सकता हूँ, मगर क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी भूमिका एक कवि के रूप में यहाँ है, और जो लोग ये बीच में उठ के जा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अब जो रचनाकार बच्चे हैं, अगर आप उनको नहीं सुनोगे तो आपको लगेगा आपने कुछ जीवन में खोया है। आइए मैं सीधा सीधा कविता से आपको जोड़ता हूँ, कुछ दोहों से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक शब्द मैंने राजस्थान से उठाया है, वो शब्द है कांकड़। कांकड़ इसका मतलब होता है गांव की सीमा, दो गांवों की सीमा जहां से मिलते हैं। आपके उड़ीसा में कुछ और शब्द होगा उसके लिए, लेकिन हमारे यहाँ कांकड़ एक शब्द होता है जहां दो गांवों की सीमा मिलती है। इसका अर्थ याद रखकर इस दोहे को सुनिएगा आप, सुनिए। प्रेम के दोहों से शुरू करता हूँ, प्रेम की कविता अभी ठीक से हुई नहीं यहाँ पे, देखिए। एक लड़की ने क्या रखा, अरे कांकड़ बाहर पांव। वाह, देखें आपके एक गांव में एक लड़की है, सारे गांव के लड़के उसे प्रेम करते हैं, उसकी शादी के बाद उस गांव का क्या क्या हाल होता है, देखें आप इसकी उपमा देखिए। कि एक लड़की ने क्या रखा, एक कांकड़ बाहर पांव, अरे मोहनजोदड़ो हो गया बसा बसाया गांव। बढ़िया है, बहुत अच्छा। राम, एक लड़की ने क्या रखा, एक कांकड़ बाहर पांव, अरे मोहनजोदड़ो हो गया बसा बसाया गांव। क्या बात है, हे राम, बसा बसाया गांव। कांकड़ पर ही एक दो और सुनिए। हमारे राजस्थान में और पूरे उत्तरी भारत में श्रावण में जो झूले डाले जाते हैं, उस पे लड़कियां झूला झूलती हैं, वो झूला एक निश्चित ऊंचाई तक चढ़ाना चाहती है एक लड़की जिसकी शादी बचपन में हो गई लेकिन गौना नहीं हुआ, जैसे रामावतार जी का नहीं हुआ था। हमारे यहाँ गोने बाद में होते हैं, शादियाँ बचपन में हो जाती हैं लेकिन गोने बाद में होते हैं हम लोगों में, राजस्थान में मूल। देखें आप, ये तो और दस में हो आए। तो वो झूला एक निश्चित ऊंचाई तक चढ़ाना चाहती, क्यों चढ़ाना चाहती, इस दोहे में देखना आप। कि गोरी झूले झूलना, अरे तब तक पींग चढ़ाए। बढ़िया है। गोरी झूले झूलना, तब तक पींग चढ़ाए, ए जब तक पीऊ के गांव का कांकड़ ना दिख जाए। बढ़िया है। जब तक पीऊ के गांव की सीमा ना दिख जाए, हाय राम, गोरी झूले झूलना, अरे तब तक पींग चढ़ाए, जब तक पीऊ के गांव का कांकड़ ना दिख जाए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आवाज आनी चाहिए तालियों के जरिए, उसके बाद ही आगे सुनाऊंगा मैं। थैंक यू। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। एक ट्रेडिशनल हमारा सोच है कि घर की जो हमारी पत्नी है या हमारी प्रेमिका है, उसके बारे में कहा जाता है कि जो गुस्से में होती है तो बहुत सुंदर लगती है। क्या कारण है? मैंने कारण खोजने की कोशिश की, और दोहे की दो पंक्तियों में मैंने कारण खोजने की कोशिश की कि आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका गुस्से में ज़्यादा सुंदर क्यों लगती है और कैसी लगती है, वो देखें आप।
कि गोरी का मुख रोश में मोहे यूं ललचाए। मोहे का मतलब दो लें आप, मोहना और मुझे। कि गोरी का मुख रोश में अरे मोहे यूं ललचाए, जो फूल के पर नेह का अरे जो फूल के पर नेह का मक्खन पिघला जाए। हाय राम, गोरी का मुख रोश में मोहे यूं ललचाए, जो फूल के पर नेह का मक्खन पिघला जाए। बढ़िया है भाई, नई उपमा है। एक और देखें, उपमा सुंदर देखिए आप मनोज जी। जीवन में प्रेम का क्या महत्व है, जिन्हें आप चाहते हैं उनका क्या महत्व है। दुनिया का सबसे बड़ा हकीम वैद्य डॉक्टर ये कह दे कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, सेवा कर लीजिए आप, ऐसे में प्रेम क्या चमत्कार करता है। एक दोहे में देखें आप। स्वागत। कि अंत समय और सामने अरे गोरी तेरे नैन, अंत समय और सामने गोरी तेरे नैन, हे रामा दल में आ गए जैसे वेद सुषेण। रामा दल में आ गए जैसे वेद सुषेण। और साथियों, दोहों में अंतिम दोहा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो दोहा आपके और हमारे घर की गांव की कहानी है कि हमने अपनी पीढ़ी ने हमारे संयुक्त परिवारों का क्या किया, हमारी जमीनों का क्या किया, हमारे माँ बाप की इच्छाओं का क्या किया। देखें आप, इस दोहे को याद रखना और एक नाम याद रखना कि कोटा से रामनारायण हलधर नाम का एक छोटा सा कवि आपके बीच में आया था। बहुत अच्छा कह रहे हो भाई। दो पंक्तियां आपके बीच में छोड़कर जा रहा हूं। बहुत छोटे से गांव से आता हूं और अपने खेतों में सिंचाई करते हुए, चड़स चलाते हुए, बहुत सारे काम हमने जीवन में किए हैं, वहां से कविता लेकर आता हूं। सुनिए आप दोहा। कि नीवे खोदी बाप ने, रमावतार जी देखना ये दोहा। हर नीवे खोदी बाप ने ए माने ढोई गार। वाह, मकान जब बनाया गया। माने ढोई गार। नीवे खोदी बाप ने अरे माने ढोई गार, हे अब बेटों ने डाल दी आंगन में दीवार। नीवे खोदी बाप ने ए माने ढोई गार, अब बेटों ने डाल दी आंगन में दीवार। एक गजल के दो तीन शेर मैं आपको और सुना देता हूं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। के अंधेरी रात में भी अब मेरे घर में उजाला है। अंधेरी रात में भी। बहुत सारे पात्रों पर कविता होती है लेकिन कुछ पात्र छूट जाते हैं जीवन से, उन पर कहने की कोशिश करता हूं। देखें। कि अंधेरी रात में भी अब मेरे घर में उजाला है, मेरी झोली में मेरी सास ने एक चांद डाला है। वाह, बहुत अच्छा है। कुछ पात्र कविता से छूटे हुए हैं, उन पात्रों को छूने की कोशिश, मेरे ख्याल से सास के ऊपर अभी तक किसी ने लिखा नहीं होगा। देखें आप। कि अंधेरी रात में भी अब मेरे घर में उजाला है, मेरी झोली में मेरी सास ने एक चांद डाला है। और शेर देखिए कि हिना का रंग उसके हाथ पे यूं ही नहीं महका। हिना का रंग उसके हाथ पे यूं ही नहीं महका, सुबह से शाम तक हमने रसोई घर संभाला है। बहुत अच्छा है। हिना का रंग उसके हाथ पे यूं ही नहीं महका, सुबह से शाम तक हमने रसोई घर संभाला है। अरे गजल मैं और सुनाता हूं मित्रों, के हम लोग गांव से निकल कर आए हैं, बेसिकली सब लोग हम गांव को भूल चुके हैं।
गांव में क्या हो रहा है हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। मैं याद